हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द मैथमेजिशियन शो। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग इस चैनल पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने वाले हैं और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस बनाएंगे जो वेरियस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो 11th में एडमिशन के लिए हो या 9th में एडमिशन के लिए हो या 6th क्लास में एडमिशन के लिए हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो, चाहे टेट हो, सीटेट हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू। इफ़ स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 175 एंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्टार इज इक्वल टू 5। तो हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में 5 स्क्वायर है और इन सभी का सम होता है 175। तो हम लोग 175 को 5 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आएगा 35। ठीक है, अब स्क्वायर का वैल्यू हो गया 35 एक स्क्वायर का, और उसके बाद इसको डिवाइड करने पर स्टार से आंसर आता है 5। तो 35 को किस नंबर से हम लोग डिवाइड करेंगे जो आंसर हमारा 5 आएगा, तो 7 से। तो एक स्टार का वैल्यू हो गया 7 और एक स्क्वायर का वैल्यू हो गया 35। तो 7 प्लस 7 14 और प्लस 35 14 और 35 होता है 49। तो इसीलिए हमारा आंसर होने जा रहा है ऑप्शन 4 49। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो दूसरा क्वेश्चन है, x इज ब्रदर ऑफ y, b इज ब्रदर ऑफ a इज मदर ऑफ x, व्हाट इज b ऑफ y। मतलब x है y का भाई, तो x और y सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, b इज ब्रदर ऑफ a और b a दोनों सिबलिंग्स हैं। ठीक है, a इज मदर ऑफ x और a जो है x की माँ है, मतलब a x की माँ हो गई और b a का भाई है। व्हाट इज b ऑफ y, b y का कौन हुआ, ये हमें बताना है। तो अगर a x की माँ है तो y की भी माँ हो गई, क्योंकि ये दोनों सिबलिंग्स हैं, तो ये दोनों भाई बहन हैं और ये a माँ है, और b a का भाई है, तो इस रिश्ते से b जो है x का अंकल हुआ। उसी तरह b अगर x का अंकल होगा तो b y का भी अंकल होगा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे सामने जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 2, 4, 5 ओनली वंस। मतलब कि 3 डिजिट का कितना नंबर हम लोग लिख सकते हैं इस डिजिट का यूज़ करके, और ये तीनों डिजिट लिखते समय, नंबर लिखते समय ये तीनों डिजिट रिपीट नहीं करना है। ठीक है, ओनली वंस का मतलब यही है। तो इस तीनों डिजिट का यूज़ करके हम लोग कितना नंबर लिख सकते हैं, तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा 245, 254, 452, 425, 524, 542। इस तरह से लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में सीधा क्या करेंगे, 1 × 2 × 3 डिजिट है टोटल, तो 1 × 2 × 3 तो आंसर होगा 6, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1, 6। ठीक है, अगर यहाँ 3 में से कोई एक डिजिट 0 हो जाता तो हम लोग टोटल नंबर 6 नहीं लिख सकते थे, उस सिचुएशन में हम लोग 4 ही नंबर लिख सकते हैं 3 डिजिट का यूज़ करके, अगर एक डिजिट 0 हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 0, 4, 5 रहता तो हम लोग इसमें 6 नंबर नहीं लिख सकते हैं इसका यूज़ करके, हम लोग इसका यूज़ करके सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर लिख सकते थे।
फ्रेंड्स, अब हम लोग रेगुलरली इंट्रेंस एग्ज़ाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए इस तरह के वीडियोस डालते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे परिवार से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।